नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि आप अपने पूरे फ़ोन का बैकअप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों बैकअप लेने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। दोस्तों फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपने अपने फ़ोन का पूरा बैकअप ले रखा है और अचानक आपसे गलती से आपका पूरा फ़ोन रिसेट हो जाता है, यानी कि सब कुछ डिलीट हो जाता है, तो आपने यदि बैकअप ले रखा है तो आप सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपका अपना फ़ोन नंबर, फोटोज़, मैसेज यहाँ पर आते हैं, मैसेज यहाँ पर देखिए ये मैसेज इसके अंदर सब जो भी है सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। या फिर ये भी फायदा है कि मान लीजिए आपने अपना ये वाला फोन, पुराना फोन बेच दिया और किसी को दे दिया है, तो मान लो जब हम फोन जब बेचते हैं तो सब कुछ डिलीट करके फोन देते हैं, तो क्या होगा जब आप नया फोन लेंगे तो उस नए फोन के अंदर आपका सब कुछ वापस आ सकता है, ठीक है, जो पुराने फोन में था। तो बैकअप लेने के सारे फायदे होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी सीखना है कि आप अपने स्मार्टफोन का बैकअप कैसे ले सकते हैं तो हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं अशुभ प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चौबीस टेक्निकल। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए आपको अपनी सेटिंग में जाना है। देखिए हम सेटिंग में जाते हैं, आपको अपने स्मार्टफोन की यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। यदि आपके स्मार्टफोन के अंदर ये सेटिंग के अंदर सर्च वाला सेटिंग का सिस्टम है, डायरेक्ट सर्च करने का सिस्टम है, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने बात यह है कि मान लीजिए यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन आपका दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, ऐसे लिखकर बैकअप, ठीक है, ऐसे लिख के आपको सर्च कर लेना है और थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा बैकअप एंड रीस्टोर, ठीक है, आपको इसको यहाँ ढूंढ कर या फिर सर्च करके यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर दोस्तों आते हैं बैकअप एंड रिस्टोर के अंदर, तो आपको यहाँ तक का जो सिस्टम है ये आपके फोन में हो सकता नजर नहीं आए, लेकिन यहाँ पर जैसे आप नीचे आते हैं, देखिए मेरा जो फोन है MI Note 8 है, यानी कि MI का फोन है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे तो ये जो सिस्टम है ना, इतना ये आपके प्रत्येक फोन के अंदर नजर आता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर आते हैं देखिए बैकअप माई डाटा एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मेरा जो सिस्टम है ये ऑन है, ठीक है, यहाँ देखिए टर्न ऑन बैकअप्स, आपका हो सकता है ये ऑफ हो तो आपको क्या करना है इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिक रोज मतलब क्या कहते हैं ये बैकअप चलता रहेगा। बैकअप में सिस्टम में देखिए लिखा गया है कि आपकी कॉल हिस्ट्री एंड वाईफाई पासवर्ड, जो भी चीज़ें हैं आपका बैकअप हमेशा बनता रहे, कॉन्टैक्ट मैसेज एंड फोटो, जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर बैकअप बनता रहता है, इसको आप ऑन करके रख लीजिए। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए बैकअप अकाउंट, अब क्या करना है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको अपने उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है जिस ईमेल आईडी के अंदर आप बैकअप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उस ईमेल आईडी को यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, और ईमेल आईडी को सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर एक बार ओके पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे आप ओके पे क्लिक करके आएंगे आपका अकाउंट यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो गया। तो दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी इस ईमेल आईडी के अंदर अब बैकअप लिया जाएगा हमेशा। अब देखिए इसको ऑटोमेटिक रिस्टोर यदि ऑप्शन आपके अंदर आ रहा है फोन के अंदर, तो इसको ऑन करके रखिएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन नजर आया गूगल अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना ये है कि यहाँ पर देखिए बैकअप टू गूगल ड्राइव, यदि ऑप्शन यदि आपका ऑन है तो रहने दीजिए, और ऑफ है तो इसको आपको क्या करना है ऑन कर लेना है, तो आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। प्लस आपको इसी तरह यहाँ पर अकाउंट को सिलेक्ट करना है, इसको वजह से आप क्लिक करेंगे आपको अपने ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है जिस ईमेल आईडी के अंदर आप बैकअप लेना चाहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए उस ईमेल आईडी को हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर आप यहाँ पर देखिए अभी हाथों हाथ बैकअप लेना चाहते हैं बैकअप नौ, तो अभी हाथों हाथ बैकअप स्टार्ट हो जाएगा, एक बार ले लिया जाएगा। लेकिन मेरा जो बैकअप है हमेशा रात को देखिए 11-24 पे लिया जाता है हमेशा, लगभग 12 बजे या फिर रात को, मतलब कुल मिला के मिड नाइट में आपका बैकअप अपने आप ले लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप गूगल फोटोज नाम का यहाँ पर देख सिस्टम दिया गया है, इसके ऊपर भी क्लिक करके आप इसको ऑन कर सकते हैं, हालांकि मैंने इसको ऑफ कर रखा है। तो इस तरह क्या होगा कि आपके फोटो और वीडियो का भी बैकअप बनता रहेगा, ठीक है, इसी अकाउंट के अंदर जो ईमेल आईडी यहां पे दिया गया है, तो आप इसको चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं, ठीक। बाकी दोस्तों मैंने गूगल फोटो के अंदर बैकअप कैसे लेते हैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देखकर आराम से सीख सकते हैं कि इसका बैकअप कैसे लिया जाता है दोनों का साथ में, फोटो एंड वीडियोज का, ठीक है। तो इसको आप ऑन कर लीजिएगा। अब जैसे दोस्तों आप ये सारी सेटिंग कर लेते हैं, आप यहाँ देखिए अब सिस्टम ये होगा कि आप डेली आपका जो मोबाइल का बैकअप है आपके फोन का बैकअप डेली अब लिया जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका बैकअप रोज लिया जाएगा, ठीक है। तो अब सिस्टम ये होगा कि अब मान लीजिए आपने नया फोन लिया है या फिर मान लीजिए आपके फोन के अंदर सब कुछ डिलीट हो गया है, और यदि आपने बैकअप ले रखा है पहले से, तो आप कैसे वापस अपनी सारी चीज़ों को प्राप्त करेंगे, उसके लिए दोस्तों सिस्टम क्या है यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक रीस्टोर, यहाँ पर सिस्टम इसको आप ऑन करके रखिएगा। बाकी अलग तरीका बता रहा हूँ जो रीस्टोर करने का तरीका क्या है, आपको जाना है अपने गूगल ड्राइव के अंदर, यहाँ पर देखिए गूगल ड्राइव है, इसको आप ऑन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए जैसे गूगल ड्राइव के अंदर आते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस उस ईमेल आईडी के सहारे आपको लॉगिन हो जाना है अपने फोन के अंदर और गूगल ड्राइव के अंदर भी, ठीक है। तो देखिए वही सेम वाली ईमेल आईडी है, और यहाँ पर आपको देखिए थ्री लाइन नजर आ रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं एक ऑप्शन नजर आएगा बैकअप्स, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरी मोबाइल का जो लास्ट बैकअप है गूगल ड्राइव के अंदर, ये 7 दिसंबर को लिया गया है, इसके वजह से हम क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ सिस्टम ये है कि देखिए
आप अपने डिवाइस की पूरी सेटिंग वापस प्राप्त कर सकते हैं, कॉल हिस्ट्री वापस प्राप्त कर सकते हैं, ऐप का डाटा वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए कॉल हिस्ट्री यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा गॉट इट, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी पूरी कॉल हिस्ट्री वापस आ जाएगी, ठीक है, जहाँ तक आपना बैकअप ले रखा है। उसी तरह डिवाइस सेटिंग के अंदर देखिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो डिवाइस सेटिंग के अंदर सिस्टम क्या है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन सजेस्ट वॉलपेपर वाईफाई पासवर्ड एंड डिफॉल्ट ऐप जो भी है सब यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे इसके गॉट इट पे क्लिक करते ही, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि आप मान लीजिए आपके मोबाइल के अंदर ऐसा सिस्टम आता है, देखिए लोकल बैकअप जो लिया गया है इसके अंदर मोबाइल डिवाइस ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर उससे आप क्लिक करेंगे आपका जो भी बैकअप है मतलब देखिए सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा, बैकअप यहाँ पर लिया गया है आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर ही, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके वापस एक नया बैकअप बना भी सकते हैं। अब बात करते हैं रीस्टोर कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, देखिए एक ऑप्शन आ जाए रीस्टोर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो मेरा जो बैकअप है देखिए डेली लिया जाता है, 6 दिसंबर को 12 बजे लिया गया, 7 दिसंबर को 12 बजे, मतलब 12 बजे बैकअप अपने आप बन जाता है यदि आप सब कुछ ऑन कर देते जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ देखिए मान लीजिए आपकी मतलब लास्ट बैकअप 8 दिसंबर को लिया गया है और आपके डिवाइस के अंदर सब बैकअप सेव है, तो आपको क्या करना है इस तीरने वाले निशान के ऊपर क्लिक करना है और मान लीजिए सब कुछ आपका रीड हो चुका है तो आप वापस रीस्टोर पर क्लिक करके अपना सारा चीज़ आराम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी कॉल स्टोरी कॉन्टैक्ट यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट कॉल स्टोरी प्लस अदर सिस्टम ऐप डाटा थर्ड पार्टी ऐप का जो सिस्टम है सब कुछ आपको मतलब जो भी आपके मोबाइल के अंदर है सब कुछ वापस प्राप्त हो जाएगा रीस्टोर पर क्लिक करते ही, ठीक है। तो दोस्तों यही तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल का बैकअप ले सकते हैं, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है प्लस आपको ये भी बता दिया है कि मान लीजिए आपका सब कुछ डिलीट हो जाता है तो कैसे आप वापस उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक। हालांकि दोस्तों मैंने गूगल फोटो के अंदर बैकअप कैसे लेते हैं प्लस आप अपने कॉन्टैक्ट का बैकअप अलग से कैसे ले सकते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी रखा है, तो आप मेरी उन वीडियो को भी देखकर आराम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसको लाखों लोगों ने देख भी रखा है। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों आपको इस वीडियो संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।